से 69 प्रति यूनिट तक बिजली की दरों में कमी का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव फ्यूल सरचार्ज में कमी के कारण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली की मार से आम लोगों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल यूपी वालों को दिवाली से पहले एक शानदार तोहफा मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिजली के दामों में कटौती की जा सकती है। पिछले महीने ही उपभोक्ता परिषद ने फ्यूल सरचार्ज के खिलाफ विरोध किया था, जिसके बाद पावर कॉर्पोरेशन फ्यूल चार्ज कम करने पर विचार कर रहा है। अगर इसे कम किया जाता है तो इसका सीधा फायदा यूपी की जनता को होगा। इससे प्रति यूनिट चार्ज में 18 से 69 पैसे की कमी आएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले जनता को तोहफा देने की तैयारी में है, लिहाजा आने वाले दिनों में बिजली दरों में कमी की जा सकती है। विद्युत नियामक बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है। योगी 2.0 की सरकार में अभी तक बिजली दर नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में बिजली की दर कम करने का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। देखिए, योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दीपावली से पहले उन्होंने आम जनता को बिजली की दरों में कटौती करके राहत दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। और विपक्ष भ्रमित है, हम डरे नहीं है। विपक्ष भ्रमित है और विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। जो विपक्ष बिजली की दामों में भ्रष्टाचार करता था, आज उसको गैस और बिजली के दाम जब सरकार घटा रही है तो उसको भ्रम में वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। डरा तो विपक्ष है। वहीं यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों के इस फैसले का स्वागत किया है। अप्रैल, मई और जून तिमाही के दौरान पावर कॉर्पोरेशन को 30,108 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद करनी थी, लेकिन इस दौरान पावर कॉर्पोरेशन ने 29,858 मिलियन यूनिट ही बिजली खरीदी, जिससे पावर कॉर्पोरेशन को पहली तिमाही के दौरान करीब 1,055 करोड़ की बचत हुई। इस बचत के आधार पर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज में कमी का प्रस्ताव भेजा है। अब ये सब घबराहट है सरकार की। जब चुनाव सामने आ गया, 6 महीना बचा है लोकसभा का, तो अब सब चीजों के दाम कम होंगे, फिर एक साथ देखना, फिर जोड़कर सारी चीजें बढ़ा दी जाएंगी। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने इस पूरी जो योजना लाई जा रही है, जिसमें दरों में कमी की जा रही है, इस पर सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस वजह से ये कदम उठा रही है क्योंकि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिसकी वजह से गैस के दामों में पहले कमी की गई और इसी वजह से ही अब बिजली की दरों में भी कमी करने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो जनता को मिलने वाले इस दिवाली गिफ्ट से पहले न्यूज स्टेट की ओर से आपको बता देते हैं कि प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेशन क्या है। प्रदेश में 3,20,00,000 बिजली के उपभोक्ता है। नवंबर से बिजली दर कम होने की आशंका है, संभावना ये है। और वही कंपनियों ने नियामक आयोग में दर कम करने का आवेदन दिया। घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 18 से 34 पैसे, कमर्शियल 48 पैसे से, बड़े उद्योगों की 38 पैसे, किसानों की बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक कम की जाएगी। वहीं आपको ये बता दें कि अलग अलग श्रेणी में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट का फायदा भी मिलता दिखाई देगा। और चलिए अब इसी के साथ नजर डालेंगे 9 बड़ी खबरों पर। लखनऊ में रामलीला के मंच पर बार बालाओं के ऊपर उड़ाए गए